आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अभिषेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑन अ वीकली बेसिस। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को डील, वो सभी करंट अफेयर्स जो जून के आखिरी हफ्ते में हमारे लिए क्या रही हैं, महत्वपूर्ण रही हैं और हमारे परीक्षा उपयोगी हैं, उनको आज हम क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। जो हमारा फॉर्मेट हम हमेशा से यूज कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, आज का ये डील करेंगे। सबसे पहला देखेंगे इस हफ्ते हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रहा है छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष में। तो सबसे पहला है इंडियाज फर्स्ट लीडियम ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे, भारत का पहला लीडियम ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्थल जो चर्चित रहे हैं, जैसे कि तातापानी जो है बलरामपुर में, फिर खरसिया है रायगढ़ में, और आपका स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि है भिलाई में, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कोई ऐसे व्यक्ति जो अपना चर्चा में रहे हैं क्या, फिर हम देखेंगे जून के आखिरी हफ्ते में हमारे पास ऐसे व्यक्ति जो खबरों में बने रहे हैं या फिर चर्चित रहे हैं, उनमें से एक हैं आपके कौन, जलील रिजवी साहब। दूसरे हमारे पास में, इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा क्या, इम्पॉर्टेंट डेज एंड रिपोर्ट्स अवार्ड्स, यानी कि महत्वपूर्ण कोई दिवस हैं जो मनाए गए हैं, कोई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो सामने आए हैं या फिर ऐसे कोई पुरस्कार जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण होंगी, उन सभी को आज देखेंगे। इसमें से एक है आपका क्या, नेशनल हेल्थ मिशन में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और स्मार्ट सिटीज रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे पांचवा जो रहेगा हमारा स्पोर्ट्स से संबंधित या फिर खेल से संबंधित, जिसमें ये बताएंगे हम या ये पढ़ेंगे जूनियर हॉकी स्टेट लेवल चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित की गई थी उसके बारे में हम देखेंगे, वेस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप जो अगले महीने होने वाली है उसके संदर्भ में कुछ जानकारी देखेंगे, और फाइनली हम क्या करेंगे एक विविध तथ्य के बारे में हम देखेंगे जो है आपका क्या, ट्विनिंग ऑफ स्कूल स्कीम, स्कूलों की जुड़वा योजनाएं, या फिर इसे हिंदी में भी हम क्या बोलेंगे, ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स का स्कीम ही बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे लिए क्या, इस हफ्ते हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आप लोगों के आगामी कम से कम चार सालों तक, आगामी चार सालों तक ये फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक आपका जगह है जिसका नाम है क्या, छुरी कटघोरा, और छुरी कटघोरा में पूरे देश का पहला लिथियम ब्लॉक को क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है किसी कंपनी को, मतलब पहली बार देश में लिथियम का क्या होने वाला है, एक्सप्लोरेशन होने वाला है, एक्सप्लोइटेशन होने वाला है, और वो होने वाला है कहां पर, आपके छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छुरी कटघोरा में। और ये जो जगह है या फिर ये जो ब्लॉक है जिसे एलोकेट किया गया है उसका नाम है क्या, घूंचापुर महेशपुर, जो कि है छुरी में। तो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, घूंचापुर महेशपुर किस नाम से जाने जाते हैं या किस लिए फेमस है, तो टूरिस्ट प्लेस है, मिनरल प्लेसेस हैं, या फिर इंडियाज फर्स्ट लिथियम ब्लॉक है, इस प्रकार से आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। मेंस में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा लिथियम एज अ मिनरल, उसके यूजेस, उसका प्लेसमेंट, ये सभी हो जाएगा इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना। तो इंडियाज फर्स्ट लिथियम ब्लॉक हैज बीन एलोकेटेड या फिर अलॉटेड टू वेस्ट बंगाल बेस्ड मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है या फिर स्थापित है, उसे दिया गया है क्या आपके छत्तीसगढ़ में लिथियम एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन का काम। तो ये दोनों ही फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरे देश का पहला क्या है, ऐसा लिथियम ब्लॉक है जिसे किसी कंपनी को एलोकेट किया गया है, कौन सी कंपनी को एलोकेट किया गया है, तो ये है आपका मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहां पर है, ये ब्लॉक आपका कोरबा जिले में है कटघोरा छुरी के स्थान पर, और इस ब्लॉक का नाम क्या है, घूंचापुर महेशपुर छुरी लिथियम ब्लॉक, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ लिथियम देख लेते हैं। लिथियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डीजल डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है, रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। लिथियम का उपयोग हार्ट पेसमेकर,
खिलौना और घड़ियों जैसी चीजों के लिए कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरीज में भी किया जाता है। तो जो मेन इसका काम है वो क्या है, आपका मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरास और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाते हैं लिथियम के माध्यम से। साथ में कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरीज भी बनाई जाती हैं जो कि काम आती है आपके किसमें, जो आपका आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर होता है, खिलौना होते हैं या फिर घड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए, लिथियम मेटल इज मेड इनटू अलॉयज विद एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, इंप्रूविंग देयर स्ट्रेंथ एंड मेकिंग देम लाइटर। अब मैग्नीशियम लिथियम अलॉय इज यूज्ड फॉर आर्मर प्लेटिंग, एल्यूमिनियम लिथियम अलॉयज आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, बाइसिकल फ्रेम्स एंड हाई स्पीड ट्रेन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब जो लिथियम धातु है उसको एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ में मिलाकर के हम क्या बना सकते हैं, एलॉयज का निर्माण किया जा सकता है या फिर मिश्र धातुओं का निर्माण किया जा सकता है, जिनकी जिनसे उनकी ताकत बढ़ती है और वे हल्के हो जाते हैं, मतलब उनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है और वो लाइट वेट भी हो जाते हैं। इसके बाद में जो मैग्नीशियम और लिथियम का मिश्र धातु होता है, मैग्नीशियम और एलॉय का, उसका उपयोग कवच के ढांचे बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज करते हैं किस एलॉय का, मैग्नीशियम और लिथियम का। और वहीं पर जो एल्यूमिनियम और लिथियम है, एल्यूमिनियम और लिथियम से बनाया जो मिश्र धातु है उसका उपयोग हम करते हैं किसमें, विमान बनाने में, साइकिल के फ्रेम बनाने में, हाई स्पीड ट्रेनों को बनाने में। तो ये लिथियम हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम पूर्णतः डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज पर, पहली बार हमारे देश में क्या होने जा रहा है, लिथियम का एक्सप्लोइटेशन होने जा रहा है। कहां पर ये होने जा रहा है आप लोगों का, कोरबा के महेशपुर गुचापुर लिथियम ब्लॉक में, ठीक है। इसके बाद में लिथियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ स्पेशल ग्लासेस एंड ग्लास सिरामिक्स। लिथियम क्लोराइड इज वन ऑफ द मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स नोन एंड इज यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एंड इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम्स। एज लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम स्टेरेट इज यूज्ड एज एन ऑल पर्पस एंड हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट। लिथियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट मैनिक डिप्रेशन, अल्दो इट्स एक्शन ऑन द ब्रेन इज स्टिल नॉट फुली अंडरस्टूड। लिथियम हाइड्राइड इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ स्टोरिंग हाइड्रोजन फॉर यूज एज अ फ्यूल। ये सभी क्या है आपके लिथियम के यूजेस या फिर उपयोग बताए जा रहे हैं। एक बार आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। लिथियम ऑक्साइड का उपयोग विशेष ग्लास और ग्लास सिरामिक में किया जाता है। लिथियम क्लोराइड सबसे अधिक नमी सोखने वाला सामग्रियों में से एक है, सबसे ज्यादा नमी सोखने वाली सामग्रियों में से एक है क्या, लिथियम क्लोराइड है ना। और इसका जो उपयोग है एयर कंडीशनिंग और औद्योगिक सुखाने प्रणालियों जैसे लिथियम ब्रोमाइड में किया जाता है। लिथियम स्टियरेट का उपयोग एक सर्व उद्देशीय और उच्च तापमान स्नेहक के रूप में किया जाता है। लिथियम कार्बोनेट का उपयोग उन्मत्त अवसाद के उपचार के लिए दवाओं में किया जाता है, हालांकि मस्तिष्क पर इसका प्रभाव अभी पूर्णतः क्या नहीं है, समझा नहीं गया है। लिथियम हाइड्राइड जो है उसका उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन को संग्रहित करने के साधन के रूप में किया जाता है। तो ये लिथियम, उससे बनने वाले एलॉयज, उससे बनने वाले कंपाउंड्स, सभी का यूज क्या बताया गया है आप लोगों के लिए यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास में ऐसा कोई स्थान जो हमारा चर्चा में रहा है कब, ये हमारा जो नाम है ये जुलाई का वीक वन हमने जरूर रखा है, लेकिन यहां पर हमें, क्योंकि हम इसे डील कर रहे हैं कम जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इस करंट अफेयर्स को डील कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है आपके जुलाई वीक वन के करंट अफेयर्स हैं। लेकिन इसमें जो करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं या फिर जिनको हम देख रहे हैं वो कौन से हैं, वो आपका जून के लास्ट वीक के हैं, लास्ट वीक ऑफ जून के क्या है करंट अफेयर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो तातापानी बलरामपुर भी समाचार में बना हुआ है या फिर चर्चित स्थान है, क्यों है ये देखते हैं। सबसे पहला, बलरामपुर आखिर है क्या, यह निरंतर गर्म पानी के झरने का स्रोत है जो भूतापीय बिजली उत्पादन का संभावित स्रोत है, यानी कि इट इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस हॉट वाटर स्प्रिंग विच इज पोटेंशियल सोर्स फॉर जियो थर्मल पावर स्टेशन। कहां पर स्थित है ये तातापानी, तातापानी है बलरामपुर में। गर्म
पानी का फव्वारा जो निरंतर बना रहता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है इस ताता पानी से। क्या करने के लिए दो अलग अलग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्या किया गया है, साइन किया गया है। एक होगा आपके इस ताता पानी में सर्वे या फिर अध्ययन करने पर, सर्वेक्षण करने पर, और दूसरा है इस ताता पानी से भूगर्भिक आपका, माफ कीजिएगा, भूतापीय जो आपका क्या है ऊर्जा का निर्माण करना है उसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो फॉर रिसर्च एंड स्टडीज, मतलब फॉर रिसर्च एंड स्टडीज यानी कि आपके अध्ययन और अनुसंधान के लिए जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो किसके किसके मध्य किया गया है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी जो रायपुर में स्थापित है और द नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI, अ कंस्टिट्यूएंट रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि आपके देश के जो CSIR है इसके अंदर में एक आपका क्या है रिसर्च लेबोरेटरी है या फिर अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम क्या है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NGRI। इन दोनों का एक किया है किसके साथ में, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के साथ में इनका क्या हुआ है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये क्यों किया गया है इन लोगों का, ताता पानी में अनुसंधान और अध्ययन के लिए। और वहीं पर जो ताता पानी है वहां पर ऊर्जा के उत्पादन के लिए या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसके किसके बीच किया गया है, वही आपका जो CSIR है जिसके अंदर में आपका नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका कहां पर है रायपुर में है, इन दोनों के बीच में क्या किया गया है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो कुल मिलाकर के दो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगामी 2 से 3 और 4 सालों के अंदर में ताता पानी से हमें क्या देखने को मिलेगा, भूतापीय विद्युत का उत्पादन देखने को मिलेगा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी का हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा जो स्थान महत्वपूर्ण बना हुआ है ये है बर्रा कोल ब्लॉक। अब ये जो बर्रा कोल ब्लॉक है ये स्थित है कहां पर, आपके खरसिया में, और खरसिया है आपका कहां पर, रायगढ़ में। तो ये बर्रा कोल ब्लॉक से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्रा कोल ब्लॉक कहां पर स्थित है। ये जो बर्रा कोल ब्लॉक है ये लगभग 900 मिलियन टन कोयले का क्या है आपका रिजर्व है या फिर भंडारण वाला कोयले का क्षेत्र है। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है बर्रा ब्लॉक किस खनिज से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये कोयले से संबंधित है, कहां पर स्थित है खरसिया में, और खरसिया कहां पर है रायगढ़ में है। हाल ही में वेदांता की एल्यूमिनियम उपक्रम जिसका नाम है बाल्को को क्या दिया गया है, इस बर्रा कोल ब्लॉक से कोयला उत्खनन करने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक हम जानते थे क्या बाल्को किस चीज के लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बाल्को का फुल फॉर्म ही क्या है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो वेदांता की एक उपक्रम है जिसे सन 2001 में स्टरलाइट नामक कंपनी को क्या कर दिया गया था, स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्ट कर दिया गया था, है ना। वो सब आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बर्रा कोल ब्लॉक से उत्खनन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है किसे, बाल्को को। ठीक है, आगे चलते हैं, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर, ये जो आपका भिलाई, ये जो आपका स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यह मध्य भारत का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जो क्लिनिकल ट्रायल सेंटर बनने वाला है, मतलब जो आपका अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है FDA है, इसने क्या किया है मध्य भारत का पहला ऐसा स्थान चुन लिया है जहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, है ना। जो पारंपरिक आपके दवाइयां होती हैं जो एलोपैथिक में भी या फिर हम बोलेंगे
जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उनके ट्रेडिशनल स्वरूपों से भी जिन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है उनके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, दूसरी संभावनाओं को मॉडर्न तरीके से क्या किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। और यह कहाँ किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कहाँ पर है, भिलाई में स्थित है। आगे चलते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं क्या जो हमारे लिए खबरों में बने हुए हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले है हमारे जलील रिजवी साहब। ये ही हैज बीन एन एमिनेंट थिएटर आर्टिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हु डाइड एट द एज ऑफ 81। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के प्रख्यात क्या रहे हैं, जलील रिजवी साहब एक थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं या फिर रंगकर्मी रहे हैं, जिनका क्या हो गया है, 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं जिनके बारे को जिनको हम देख लेते हैं। एक है इनका तेल का तोड़, बड़ी बुआ जी और कोमल गांधार, ये इनकी क्या है, नाटक है, ये प्ले है, दीज आर प्लेज या फिर नाटक। और इन नाटकों की रचना करने वाले कौन है, जलील रिजवी साहब, जिनकी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। आगे चलते हैं। क्या हमारे पास में कोई ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हैं, अवार्ड्स हैं या फिर रिपोर्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है? तो बिल्कुल। एक है हमारे पास में नेशनल हेल्थ मिशन या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन कैसा रहा है ना। तो एक हाल ही में नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक प्रोग्राम कराया गया था जिसका नाम है आयुष्मान भारत क्वालिटी हेल्थ प्रोग्राम या फिर आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसमें छत्तीसगढ़ के दो चिकित्सा संस्थानों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिष्ठित गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। मतलब टू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम छत्तीसगढ़ रिसीव्ड द कोवेटेड क्वालिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर सहसा बलोदा बाजार। तो पहला जो है ये है आपका क्या, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर सहसा बलोदा बाजार, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोंडा गांव। इट इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड अचीविंग द नेशनल लेवल क्राइटेरियाज। मतलब यह महत्वपूर्ण, यह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों को प्राप्त करने पर क्या किया जाता है, यह क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। और छत्तीसगढ़ के दो ऐसे आपके क्या है, चिकित्सा संस्थान है जिनको दिया गया है। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा बलौदा बाजार, और दूसरा है जिला अस्पताल कोंडा गांव। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास में रिपोर्ट आया है स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग का, जिसमें हमारे बिलासपुर ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दो अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर लिया है, टॉप 5 में अपनी रैंकिंग बना ली है। और वहीं रायपुर ने भी एक कैटेगरी में अपना क्या बना लिया है, टॉप 5 में रैंकिंग बना ली है। देखते हैं कौन कौन सा रैंकिंग किस किस क्राइटेरिया में हमें दिया गया है। तो यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि कौन कौन से जिलों को हमारे क्या मिला है, स्मार्ट सिटीज रैंकिंग में स्थान मिली है, कौन कौन सी स्थान मिली है, और साथ में कौन कौन से कैटेगरीज में मिली है। ये तीनों ही चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे पहला है बिलासपुर को डेटा तकनीकी और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बेहतर उपयोग के लिए बिलासपुर को क्या दिया है, पूरे भारत में 5वां स्थान मिला है। मतलब फॉर बेटर यूसेज ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए बिलासपुर को क्या दिया गया है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी को 5th रैंक दिया गया है, 5वां स्थान दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना। और ये जो शीर्ष 5 में आपके शामिल है, ये है पहला आपका बेलगांव जो स्मार्ट सिटी है कर्नाटक की, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है तुमकुरु जो कि कर्नाटक का ही स्मार्ट सिटी है, और फाइनली चौथा है आपका बेंगलुरु स्मार्ट सिटी, और 5वें नंबर पर है कौन, बिलासपुर। यानी कि बेलगांव स्मार्ट सिटी पहले नंबर पर है पूरे देश में, दूसरा है आपका
चंडीगढ़, तीसरा है तुमकुरु जो कि कहाँ है, कर्नाटक में ही है, और बेंगलुरु, ये चार। और पांचवें नंबर पर है आपका क्या, बिलासपुर। कौन सी कैटेगरी में है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बेटर यूसेज ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डेटा तकनीक और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के बेहतर उपयोग के लिए बिलासपुर पूरे देश में पांचवें स्थान पर है ना। और ये कौन सा प्रोग्राम है आपका, स्मार्ट सिटीज सीईओ कॉन्फ्रेंस अंडर IMAF 2.0 विच इज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये हो गया आपका पूरा आई। फिर एम हो गया मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो ये जो IMAF है इसमें ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। फिर आ गया आपका मेच्योरिटी असेसमेंट और फ्रेमवर्क, ये है आपका IMAF का क्या, CEOs का एक कॉन्फ्रेंस कराया गया था कहां पर, नई दिल्ली में। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है आपका, इसका नाम है आपका, अच्छा ठीक है, यही है आपका IMAF 2.0 नई दिल्ली वे के तहत स्मार्ट सिटीज सीईओ सम्मेलन, जो एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र परिपक्वता मूल्यांकन ढांचा है, ठीक है, इसके अंडर में स्मार्ट सिटीज को क्या किया गया है, रैंक दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा हमारा आपको रैंक मिला है वो पूरे देश में, पूरे के पूरे हमारे भारत देश में बिलासपुर ने पहला स्थान हासिल किया है, किसमें आपका, टीम मैनेजमेंट एंड इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका जो टीम प्रबंधन और अंतर विभागीय समन्वय की श्रेणी में, अंतर विभागीय समन्वय की श्रेणी में बिलासपुर को पूरे भारत में पहला स्थान और रायपुर को क्या मिला है, दूसरा स्थान मिला है। तो आप लोगों के लिए दो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है आपका कौन सा, डेटा तकनीक और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के बेहतर उपयोग के लिए बिलासपुर को पूरे देश में पांचवा स्थान हासिल हुआ है, पहला हासिल हुआ है, पहला स्थान किसे, बेलगांव, जो कहां पर है, कर्नाटक में है। लेकिन टीम प्रबंधन और अंतर विभागीय समन्वय यानी कि फॉर टीम मैनेजमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की श्रेणी में बिलासपुर को पूरे देश में पहला स्थान हासिल हुआ है और रायपुर को दूसरा स्थान हासिल हुआ है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्यक्रम का नाम क्या है, IMAF 2.0 के तहत स्मार्ट सिटीज की क्या है, सीईओ सम्मेलन है, ठीक है, जो नई दिल्ली में कराई गई थी। इसके बाद में हमारे पास में स्पोर्ट्स का कोई हमारे पास में फैक्ट है क्या, हम ये देख लेते हैं। तो बिल्कुल, जूनियर हॉकी स्टेट लेवल चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित कराई गई थी, यानी कि जूनियर हॉकी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप हाल ही में राजनांद गांव में क्या कराई गई, आयोजित कराई गई, जो कि 25 से लेकर के 30, ये आपका जून हो जाएगा, 25 से लेकर 30 जून तक क्या हुआ था, इसका आयोजन कराया गया था, 25 से लेकर 30 जून तक यह आपका आयोजित कराया गया था। किसके द्वारा आयोजित कराया गया था, छत्तीसगढ़ हॉकी फेडरेशन हेडेड बाय फिरोज अंसारी, यानी कि छत्तीसगढ़ हॉकी फेडरेशन के महासंघ के माध्यम से क्या कराया गया है, जूनियर हॉकी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप आयोजित कराई गई है, जो राजनांदगांव में कराई गई है, 25 से 30 जून तक कराई गई है। और ये जो आपके छत्तीसगढ़ हॉकी फेडरेशन है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ये है आपके फिरोज अंसारी, ठीक है। अब इसमें रिजल्ट क्या रहा, मेल कैटेगरी में रायपुर की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है राजनांदगांव की टीम को हराकर, इसलिए राजनांदगांव ने क्या यहां पर जीत लिया है, सिल्वर मेडल। और जो धमतरी की टीम है उसने क्या जीत लिया है, ब्रोंज मेडल जीत लिया है। तो मेल कैटेगरी जो जूनियर है हॉकी चैंपियनशिप की, उसमें रायपुर की हॉकी टीम ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है, राजनांदगांव की हॉकी टीम ने सिल्वर जीता है, और धमतरी की हॉकी टीम ने क्या जीत लिया है, आपका यहां पर ब्रोंज मेडल जीत लिया है। जबकि जो महिला वर्ग है उसमें बिलासपुर हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और राजनांदगांव की हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है। अगला हमारे पास में है सेकेंड वेस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप टू बी ऑर्गेनाइज इन छत्तीसगढ़ फॉर द सेकेंड टाइम, वेन्यू राजनांदगांव, डेट्स 21 to 28 जुलाई। मतलब कि द्वितीय पश्चिम क्षेत्र हॉकी चैंपियनशिप
छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आयोजित की जाएगी। स्थान होगा कहां पर? राजनांदगांव। और ये कब से कब तक कराई जाएगी? तो 21 से लेकर के 28 जुलाई तक। तो जो पश्चिम क्षेत्र का हॉकी चैंपियनशिप है, इसका द्वितीय संस्करण छत्तीसगढ़ में होने वाला है। पहला संस्करण भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ था सन 2022 में। सन 2024 में द्वितीय जो इसका संस्करण है वो भी छत्तीसगढ़ में ही होने वाला है। और ये कहां पर होने वाला है? राजनांद गांव में होने वाला है। अगला देखते हैं, हमारे लिए एक विविध तथ्य है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ट्विनिंग ऑफ स्कूल स्कीम्स। ये आपका छत्तीसगढ़ द्वारा, ठीक है पढ़ते हैं, टू बी लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जाएगी। किसे? ट्विनिंग ऑफ स्कूल। यहाँ पर ये आपका स्कूल के जुड़वा योजना मत लिखिएगा, यहाँ पर भी आप लोग ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स योजना ही लिखेंगे, है ना। स्कूलों का ट्विनिंग होना विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों के बीच नेटवर्क बनाने से संबंधित है। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, ताकि एक स्कूल की बेहतर प्रथाएं और संस्कृतियां दूसरे स्कूलों तक पहुंचे, जिससे स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और सभी का क्या हो सके, समग्र विकास हो सके। तो ये है आप लोगों का क्या, ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क्स अमंग स्कूल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट schools, government aided schools, so that better practices and cultures of one school reaches to other, thus creating an overall growth environment for the students, teachers and a society as a whole. तो ये यहाँ पर खत्म होता है हमारा वो सभी समसामयिकी जो हमारे जून के आखिरी हफ्ते में हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं। कल हम इन पर बेस करके आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे क्या, एमसीक्यूज, और उसके बाद में हम डील करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और उनके एमसीक्यूज। तब तक आप हमारे साथ में बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियोज को लाइक करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको हर वीडियोज का अपडेट जल्दी से जल्दी मिलता रहे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।